बुलंदशहर में चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी के बढ़ते तापमान, इस प्रकोप को लेकर जनपदीय प्रशासन द्वारा सड़क पर चलने वाले राहगीरों के लिए शीतल जल की सुविधा को लेकर किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसी की जांच पड़ताल के लिए जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम जनपद के कस्बा गुलावटी में ग्राउंड जीरो पर हालचाल जानने के लिए पहुंची तो मंजर कुछ और ही देखने को मिला है। बता दें कि नगर पालिका गुलावटी द्वारा राहगीरों के लिए लगाए जाने वाले वाटर कूलर जर्जर अवस्था में पाए गए, जो कि पालिका की लापरवाही की वानगी को साफ तौर पर दर्शा रहा था। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने नगर में भ्रमण करते हुए करीब 9 वाटर कूलर की जांच पड़ताल की तो कुछ कूलर जर्जर अवस्था में पाए गए तो कुछ में शीतल जल की जगह गर्म पानी निकलता नजर आया। कमाल तो तब हुआ जब थाने के पास में लगा वाटर कूलर अपने आप को सही कराने की बेजुबान दुहाई मांग रहा था। भ्रमण के दौरान नगर में राहगीरों को कुछ लोगों द्वारा जलपान कराते हुए पाया गया तो जब उनसे पूछा गया कि पालिका द्वारा लगाए गए नगर के वाटर कूलर कब से जर्जर पड़े हैं तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से नगर में वाटर कूलर पूरी तरह से खराब पड़े हैं, टोटियां टूटी पड़ी हैं। साथ ही आमजन ने नगर पालिका से मांग कर कहा है कि नगर में पड़े खराब वाटर कूलर्स को सही कराया जाए जिससे तेज गर्मी के बढ़ते प्रकोप से राहगीरों को शीतल जल पीने की राहत मिल सके। लेकिन अब सवाल ये है कि पिछले 2 सालों से जर्जर पड़े वाटर कूलर आखिर कब तक उनमें सुधार होगा? क्या आगामी माह जून 2024 की गर्मी से राहगीरों को जलपान जैसी सुविधा वाटर कूलर द्वारा मिल पाएगी? नगर पालिका की लापरवाही की अगर बात की जाए तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया द्वारा नगर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर चलाई गई खबर का भी संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके चलते नगर में भाजपा चेयरपर्सन और सभासदों के लगे चुनाव चिन्ह के बोर्ड की तस्वीरें अब भी आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। ये निहारिका चौहान से पूछा जा सकता है, चलाई गई खबर को संज्ञान में लेकर क्यों पालन नहीं कराया गया आदर्श आचार संहिता का? क्या पालिका ये 4 जून 2024 यानी कि मतगणना दिवस के बाद आदर्श आचार संहिता का पालन कराने का बेपरवाह इंतजार कर रही है? सवाल ये है। ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी पहुंचे, क्या कुछ देखा उन्होंने, चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बुलंदशहर में चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी के बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रशासन द्वारा इस तरह की राहगीरों को शीतल जल पिलाने के रूप में सुविधा दी जा रही है, इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां मंजर कुछ और ही नजर आया। और परेशानी, 1 साल हो गया, एक साल से ज्यादा हो गया। किस तरह की नगर पालिका से मांग कर रहे हैं? नगर पालिका से ये मांगे, नवनिर्वाचित चेयरमैन नए आए हैं, उनसे गुजारिश है कि बेचारे ये कराएं इस काम को, लोगों को बड़ा फायदा होगा इससे। 1 साल पड़ा, बड़ा अच्छा सब लोगों को पानी मिलता था, गर्मी किस तरह पड़ रही है। जानकारी मिली कि चोरी जैसी भी कोई आशंका जताई जा रही है? चोरी तब तक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो कई जगह तो उखड़ कर चले गए, उनका पता ही नहीं कहाँ चले गए। आपको बता दें नगर गुलावटी में करीब 9 कूलर लगे हुए पाए गए, लेकिन वो जर्जर अवस्था में पाए गए। अगर करीब 9 वाटर कूलर की बात की जाए तो कुछ वाटर कूलर में ना तो टंकियाँ थी और उनकी हालत इस तरह से थी कि वाटर कूलर की पूरी बॉडी जंग खाए हुए थी। कमाल तो तब हुआ जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम थाने के पास पहुंची जहां वाटर कूलर पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ था। वो कहीं ना कहीं सही होने की नगर पालिका से दुहाई मांग रहा था। इस बाबत जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने राहगीरों से, नगर की आम जनता से पूछा तो उन्होंने बताया कि नगर में वाटर कूलर पिछले 2 से 3 वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं।
भैया पानी पीना है क्या? पीना सुलभ है आपको पानी इसमें? जा रहा पानी पिया कैसे जाएगा? अगर बोतल के साथ पानी पिया जाए इस वाटर कूलर में तो इस जाल के कारण इसमें से पानी पीना सुलभ नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, देखिए एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, क्या पता पी लें आप आराम से। कैसे पी लें बताइए। भैया ये आपके पीछे वाटर कूलर रखा हुआ है, तेज गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, राहगीर आते जाते होंगे, आप यहाँ पर क्या करते हैं, किस तरीके से इसे देखते हैं, क्या इसमें ठंडा पानी आता है? ऐसा नहीं आता पानी, इसमें बिल्कुल बंद पड़ा रहता है और आज से मैं काफ़ी टाइम से बंद पड़ा रहता है। इतना समय हो गया होगा? लगभग देखने का मैं 4-5 महीने से बंद पड़ा हुआ। 4-5 महीने से पड़ा बिल्कुल बंद पड़ा, थोड़ा बहुत चलता था बीच में, 4-5 महीने से तो बंद ही भाई। जब गुलावटी में भ्रमण किया तो पाया कि कुछ लोग शीतल पेयजल आम जन को पिला रहे हैं। जब उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि ये एक सेवा का काम है। बाबा ये शीतल जल पेय की सुविधा आपने दी है जनता के लिए, तेज गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, हमने जब गुलावटी कवरेज की तो यहाँ नगरपालिका के द्वारा जो वाटर कूलर लगाए गए वो जर्जर अवस्था में पाए गए, कुछ वाटर कूलर पाए गए जिसमें गर्म पानी मिला, लेकिन जब होते हुए गुजरे गुलावटी में तो देखा कि यहाँ पे शीतल जल सेवा जो धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के द्वारा चलाई जा रही है, आम जन को राहत भी मिल रही है, हम भी देख पा रहे हैं लोग पानी पी रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? ये सोच कैसे आई है? हमारे डेरे सक्सेस हो गए, अभी लगाई जा रही है क्योंकि आपने देखा होगा बाजार में कहीं भी कोई हैंडपम्प वगैरह कोई भी नहीं है रास्ते में सड़क के साथ, जो कभी पहले हुए थे हर आदमी अपनी प्यास लिया, अब कोई व्यवस्था नहीं है कहीं का, जो नगर पालिका ने कूलर वगैरह लगवाए वो सब कर रहे हैं, इसमें लगा के हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। हम अपने संतुर के वचनों पर अमल कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। लेकिन बात यही आती है जब उनसे पूछा गया कि गुलावटी की नगर पालिका द्वारा लगाए गए वाटर कूलर जर्जर अवस्था में है, उनमें से किसी भी प्रकार की कोई शीतल जल की आम राहगीरों को सुविधा नहीं है, तो उन्होंने बताया कि ये अब से नहीं पिछले 2 से 3 वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। लेकिन इससे बेहतर ये पिछले साल भी ख़राब था और इस साल भी ख़राब पड़ा है और राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है, तो हमारे से यही है कि भाई कूलर चालू हो जाए तो राहगीरों को पानी पीने की सुविधा मिल जाएगी। इसकी जर्जर हालत देखी जा रही है, समझते हैं कितने समय से ऐसी हालत हुई है इसकी? ये तो पिछले साल भी ऐसी कंडीशन में रहा था, नहीं चालू हो पाया था, कहा भी था लेकिन नहीं हो पाया चालू, और इस बार भी नहीं हो पाया चालू। नगर पालिका से क्या आशा है आपकी, क्या मांग है? अब देखो ये तो डीओ साहब बताएंगी कि भाई इसमें क्या हम कर सकते हैं, डीओ साहब का अधिकार क्षेत्र है, केंद्र साहब का अधिकार क्षेत्र है। राहगीरों के लिए अगर पानी की शुद्ध पेयजल की सुविधा की अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप देखते हैं? भाई ये तो चालू होना चाहिए, बाकी अच्छी बात है, राहगीरों को पानी मिलेगा और वो दुआई देते हैं सबको। भैया ये वाटर कूलर कब से इस अवस्था में पड़ा हुआ है? लगभग 7 से 8 साल हो गए। 7 से 8 साल इस वाटर कूलर को इस अवस्था में पड़े हुए हो गए, पानी नहीं है इसके अंदर, तो राहगीर जो जाते हैं गर्मी में, तेज गर्मी है, तेज धूप है, इतनी तेज गर्मी है, सरकारी नल का सहारा है, खराब हो जाएगी तो नगर पालिका से बात करेंगे। नहीं, वाटर कूलर की बात की जाए तो किस तरीके से राहगीरों को पानी की सुविधा मिलती है? नल में ठंडा पानी आता है? सादा पानी होता है ना, तो वाटर कूलर जो नगर पालिका के द्वारा लगाए गए तो वो कहीं ना कहीं सही होने चाहिए, क्या मांगे नगर पालिका से?
पहली बार शिकायत कर दी गई या तो करा दो या इसे उठवा लो, कुछ सुनता ही नहीं। कई बार शिकायत की गई है लेकिन अभी तक कोई चेयरमैन से डायरेक्ट शिकायत कर दी, तो अभी कोई सुविधा नहीं है। अब देखना यही कि नगर पालिका वाटर कूलर को लेकर किस तरह से खबर का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई अमल में लाती है। क्या आगामी जून के माह में सड़क पर चल रहे राहगीरों को शीतल पेयजल की सुविधा मिल पाएगी या नहीं? कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं अरुण यादव, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, बुलंदशहर।